हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास टेंथ के SST यानी कि सोशल स्टडीज के इकोनॉमिक्स पार्ट का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। ये लेसन नंबर 1 और लेसन नंबर 2 दोनों चैप्टर को कवर कर रहा है, ठीक है। तो लेसन नंबर 1 है आपका बेसिक कॉन्सेप्ट्स का। तो सबसे पहले हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। बाय कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम, गुड्स एंड सर्विसेज आर डैश बाय देयर प्राइसेस। तो जब आप नेशनल इनकम जो है वो निकाल रहे हो, उसको कैलकुलेट कर रहे हो, तो जो गुड्स और सर्विसेज है यानी जो सामान है और जो सेवाएं हैं, उनको उनके प्राइसेस से क्या किया जाता है, गुणा किया जाता है, मल्टीप्लाई किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन जो हाउ मेनी सेंसेस द वर्ड कंजम्पशन इज यूज्ड, कितने तरीके से कंजम्पशन वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, दो तरीकों से, ठीक है। नेक्स्ट है, विच फैक्टर अफेक्ट्स द कंजम्पशन मोस्ट, कौन सा फैक्टर जो है वो सबसे ज्यादा कंजम्पशन यानी कि उपभोग को प्रभावित करता है, तो इनकम करता है, ठीक है। अगर आपकी इनकम बढ़ जाएगी तो कंजम्पशन बढ़ सकता है, अगर इनकम जो है वो कम हो जाएगी तो कंजम्पशन भी कम हो जाएगा। नेक्स्ट है, इंडियन गवर्नमेंट जनरली प्रेजेंट्स इट्स बजट इन द मंथ ऑफ, इंडियन गवर्नमेंट जो है यानी जो भारतीय सरकार है वो अपना बजट जो है वो कब रिलीज करती है, फरवरी मंथ में, ठीक है। ट्रांजेक्शन्स इन गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम रेजिडेंट्स टू नॉन रेजिडेंट्स कंट्री, जब वस्तुएं या सेवाएं जो है वो वासी कंट्री से दूसरी यानी कि गैर निवासी कंट्री में भेजी जाती है तो उसको क्या बोला जाता है, एक्सपोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट डिपेंड्स अपॉन, जो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट होता है वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, वो इनकम के ऊपर बेसिकली डिपेंड करता है, ठीक है। तो जो प्रॉफिट होगा वो भी हमें क्या है, इनकम है एक तरीके से, और इनकम तो ऑब्वियसली है ना हमें अर्न हो रहा है, तो ये दोनों जो है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट जो है वो उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट है, द गवर्नमेंट बजट इज ऑफ, गवर्नमेंट बजट जो है वो कितने तरीके का होता है, तो गवर्नमेंट बजट बच्चों तीन तरीके का होता है। पहला होता है बैलेंस्ड बजट, दूसरा है डिफिशिएंट बजट, और थर्ड है आपका सरप्लस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट टैक्स इज, डायरेक्ट टैक्स जो है जहां पर हम सीधे गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहे हैं, तो उसका एग्जाम्पल कौन सा है, प्रॉपर्टी टैक्स, ठीक है। नेक्स्ट है, विच अनएम्प्लॉयमेंट अराइजेज ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल, मशीनरी, मतलब कि कह सकते हो कच्चे माल की कमी के कारण, मशीनरी की कमी के कारण किस तरीके की अनएम्प्लॉयमेंट जो है यानी बेरोजगारी जो है वो आती है, तो वो होता है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है, हु इशूज अ न्यू करेंसी इन द कंट्री, कंट्री में न्यू जो पैसे हैं, ठीक है, या न्यू करेंसी है वो कौन लेकर आता है, सेंट्रल बैंक, और इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन सा है, RBI, ठीक है। नेक्स्ट है, गुलशन हैज ओन्ड 3 acres ऑफ लैंड, गुलशन ने 3 acres जमीन खरीदा, 4 members ऑफ दैट फैक्ट्री कैन वर्क इफिशियंटली ऑन दिस लैंड, बट 8 members ऑफ गुलशन फैमिली आर कल्टिवेटिंग द एग्जिस्टिंग लैंड। तो 4 member जो है वो उस कह सकते हो उस फैक्ट्री में अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं, लेकिन गुलशन के परिवार के 8 लोग जो है उस लैंड पर काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके की बेरोजगारी को क्या बोला जाएगा, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है, राहुल हैज इंस्टॉल्ड कंप्यूटराइज मशीन इन हिज फैक्ट्री, राहुल ने अपने फैक्ट्री में जो है वो कंप्यूटर्स वाली मशीन जो है वो लगाई है। सम ऑफ हिज एम्प्लॉयज लॉस्ट देयर जॉब, तो कुछ लोगों को जो है वो ये जॉब जो है वो छोड़नी पड़ी या उनको निकाल दिया गया क्योंकि उनको कंप्यूटर की नॉलेज नहीं थी। तो ये किस तरीके की बेरोजगारी है, ये होता है टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, जिसमें उनको टेक्निकल चीजों की समझ नहीं होती। नेशनल इनकम इज द अर्नड इनकम बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग, तो नेशनल इनकम जो होता है वो इनकम है जो कि उनके निवासी जो है, किसी भी कंट्री के निवासी जो है वो कितने टाइम में कमाते हैं, तो 1 financial year में, 1 financial year क्या होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, ठीक है। नेक्स्ट है, नेशनल इनकम इज द नेट फैक्टर इनकम अर्नड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री इन द फॉर्म ऑफ, तो जो नेशनल इनकम होता है उसमें जो नॉर्मल रेजिडेंट कमाते हैं वो किस चीज, मतलब कि किस तरीके से हो सकता है, इनकम कैसे जनरेट हो सकती है, वो प्रॉफिट से भी कमाया जा सकता है, इंटरेस्ट से भी कमाया जा सकता है, और टैक्स और वेजेस से भी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ऑल ऑफ दीज, तो ये सारे ही इनकम जो है इनको कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद द इनकम इंक्रीजेस देयर इज द पॉसिबिलिटी ऑफ डैश ग्रोथ, जब इनकम बढ़ती है तो चांसेस होते हैं कि कंजम्पशन यानी कि उपभोग भी बढ़ेगा, ठीक है। जैसे जब आपको जो है वो ज्यादा जो है वो पॉकेट मनी मिलने लग जाएगी तो आप उसको ज्यादा खर्च करोगे, है ना, चाहे तो आप कोई सर्विस लोगे या फिर जो है वो आप कोई सामान खरीदोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजूज फादर हैज एन एनुअल इनकम ऑफ 5 lakh rupees, 5 lakh rupees जो है वो साल का कमाते हैं राजू के पिता। आउट ऑफ दिस ही स्पेंड्स 3 lakh rupees ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, इसमें से वो 3 lakh rupees जो है वो सामान और सेवाओं में खर्च कर देते हैं। व्हाट इज द नेम गिवन टू इन
इकोनॉमिक्स दैट अमाउंट ऑफ 2 लाख विच ही हैज लेफ्ट, तो जो 2 लाख रुपया उसके पास बच गया तो वो क्या, उसको क्या टर्म दिया जाएगा, क्या नाम बोला जाएगा उसे, तो उनको उसको कहा जाएगा सेविंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहित फादर हैज ओन्ड अ बेकरी, मोहित के पिता ने एक बेकरी की शॉप जो है उसके मालिक है वो, फ्रॉम विच ही रिसीव्स ₹6 लाख एज एनुअल इनकम, उनको वहां से 6 लाख के सालाना जो है वो इनकम हो जाती है। आउट ऑफ इट ही स्पेंड्स 4 लाख ऑन गुड, तो इसमें से वो 4 लाख जो है वो सेवाएं और सामान में खर्च कर देते हैं। ही स्पेंड्स 2 लाख ऑन बाइंग रॉ मटेरियल एंड मशीनरी, और वो जो 2 लाख रुपया है वो उससे मशीनरी या कच्चा सामान खरीद लेते हैं, ठीक है, ताकि आगे चलकर उसी को जो है वो सेल कर सके। व्हाट एक्शन वाज डन बाय हिम इन द टर्म ऑफ इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स के टर्मिनोलॉजी में उन्होंने उस 2 लाख का क्या किया है, तो उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है, ठीक है, यानी कि निवेश किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इन्वेस्टमेंट इज डिपेंड अपॉन द लेवल ऑफ प्रॉफिट एंड इनकम, कौन सा इन्वेस्टमेंट जो है वो प्रॉफिट और इनकम इनके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, तो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट, ये इस तरह के क्वेश्चन हम एक स्टार्टिंग में भी कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्ट्रक्शन ऑफ यूटिलिटी इज, यानी कि उपयोगिता का विनाश जो है वो क्या कहलाता है, कंजम्पशन, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम का दूसरा नाम क्या है, एवरेज। आगे चलते हैं, आगे जो है वो हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो जाता है जो कि है इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इसमें पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द चीपेस्ट मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट इन इंडिया, इंडिया में सबसे सस्ता जो कह सकते हो ट्रांसपोर्ट का यातायात का साधन है वो कौन सा है, रेलवे, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द रैंक ऑफ द इंडियन रेलवे इन द वर्ल्ड, भारतीय रेलवे जो है उसका वर्ल्ड में कौन सा रैंक आता है, 4th, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम रिलेटेड टू, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो किन चीजों से रिलेटेड है, वो बफर स्टॉक से भी जो है संबंधित होता है, मिनिमम प्राइस से भी संबंधित होता है, इसके अलावा जो फेयर प्राइस शॉप्स है, ठीक है, यानी जिनको आप राशन की दुकानें बोलते हो, तो उससे भी संबंधित होता है, ठीक है, तो ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है, हाउ मच परसेंटेज ऑफ द टोटल विलेज इन इंडिया डू नॉट हैव इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी, तो टोटल कितने इस तरीके के गांव है परसेंटेज में बताना है आपने जिनके पास इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी जो है यानी कि बिजली जो है वो नहीं है, तो वो है 16%, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, इसमें से संचार का साधन जो है वो कौन सा है, टेलीफोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेटिस्फेक्शन ऑफ कंज्यूमर वांट्स इंक्लूड, तो जो कंज्यूमर यानी कि जो उपभोक्ता है उसकी संतुष्टि जो है उसको कब मिलेगी, जब वो कह सकते हो गुड्स और सर्विसेज दोनों ही यूज करता है, ठीक है, सेवाएं भी लेगा और इसके अलावा सामान भी लेगा, ठीक है, सिर्फ सेवाओं से उसको संतुष्टि नहीं हो सकती, ठीक है। अब जैसे अपनी लाइफ में ही देखो, ठीक है, आपको डॉक्टर के पास भी जाना पड़ता है, डॉक्टर को सामान नहीं दे रहा आपको, वो सर्विस दे रहा है, ठीक, और आपको डेली की जो है वो लाइफ को जीने के लिए जो राशन वगैरह लेके आना पड़ रहा है वो क्या है, गुड्स है। नेक्स्ट है, व्हेन वाज द फर्स्ट रेलवे इंडिया इन लाइन कंस्ट्रक्टेड बिटवीन बॉम्बे टू थाने, बॉम्बे टू थाने के बीच में पहली रेलवे लाइन जो है वो कब कंस्ट्रक्ट की गई थी, 16 अप्रैल 1853 को, ठीक है। नेक्स्ट है, फ्रॉम विच ईयर टू अरोज अवेयरनेस अमंग द कंज्यूमर्स अ क्वार्टरली मैगजीन, उपभोक्ता जागरण इज बीइंग पब्लिश, उपभोक्ता जागरण जो है ताकि जो है वो कंज्यूमर जो है यानी जो उपभोक्ता है उनको जागरूक किया जा सके, कब से रिलीज होनी शुरू हुई है, तो ये मार्च 1991 से पब्लिश होती है। नेक्स्ट है, इंडियन शिपिंग ऑक्यूपाइज विच पोजिशन इन द डेवलपिंग कंट्रीज, तो डेवलपिंग कंट्रीज में इंडियन शिपिंग जो है वो कौन से पोजिशन पर आती है, फर्स्ट नंबर पर आती है। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ बफर स्टॉक, बफर स्टॉक जो है उसका क्या लक्ष्य होता है या क्या उद्देश्य है, तो चेक द प्राइस राइज, की कीमतें जो है उसको बढ़ रही है उसको जो है वो देखना, ठीक है, कि किस तरीके से बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कौन सी चीज रिलेटेड है, आरबीआई भी है, ठीक है, कमर्शियल बैंक भी है, और जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, छोटे छोटे बैंकिंग संस्थाएं होती हैं वो भी है, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हेन डिड द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कम इनटू फोर्स, उपभोक्ता जो है उसको संरक्षण दिया जाता है, ठीक है, तो ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है ये कब जो है वो मतलब ये लागू किया गया, 1987 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज कंज्यूमर अवेयरनेस वीक सेलिब्रेटेड, यानी उपभोक्ता जागरूकता दिवस जो है ये कब मनाया जाता, तो ये मनाया जाता है 15 मार्च से लेकर 21 मार्च के बीच में, ठीक है। Which of the following cannot be included in modern modes of transport? इसमें से कौन सी चीजें जो है वो आज के टाइम यानी आधुनिक टाइम के जो है यातायात के साधनों में इंक्लूड नहीं किया जा सकता, बुलक कार्ड, ठीक है, जिसमें बैलगाड़ी बोलते हो जिसे। द फर्स्ट रेलवे लाइन इन इंडिया वॉज मेड इन डैश बिटवीन बॉम्बे एंड थाने,
तो बॉम्बे और ठाणे के बीच में पहला रेलवे लाइन जो इंडिया का है वो बनाया गया था कौन से ईयर में, 1853 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटल लेंथ ऑफ द रेलवे ट्रैक इन इंडिया इज, टोटल लेंथ जो है रेलवे ट्रैक का इंडिया में वो कितना है, 1,15,000 किलोमीटर। स्टॉक एक्सचेंज आर दोज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच रेज मनी फ्रॉम द पब्लिक एंड अदर सोर्सेज। तो स्टॉक एक्सचेंज में क्या होता है, ये पैसा जो है वो कहाँ से जनरेट करते हैं, या तो पब्लिक से लेंगे या दूसरे सोर्सेज होते हैं। व्हाट इज द अदर नेम गिवन टू इट, इसको दूसरा जो है वो क्या नाम दिया जाता है, तो इसको बोला जाता है शेयर मार्केट, ठीक है। नेक्स्ट है थर्मल पावर कॉन्स्टिट्यूट्स डैश ऑफ टोटल पावर जनरेशन इन इंडिया, जो थर्मल पावर है वो टोटल पावर जनरेशन, कितना टोटल पावर जनरेशन इंडिया में जो है वो देती है, 68%। स्टिल डैश ऑफ द विलेजेस इन इंडिया आर विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, बिना बिजली के जो है वो कितने प्रतिशत गांव आज भी इंडिया में अवेलेबल है, 16%। विच इज अ नोटेबल एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपर्पज इरीगेशनल प्रोजेक्ट इन इंडिया, तो बहुउद्देश्य जो है वो सिंचाई सुविधा के लिए कौन सा प्रोजेक्ट जो है वो बनाया गया था, तो भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट भी बनाया गया, दामोदर वैली प्रोजेक्ट भी बनाया गया, नर्मदा रिवर प्रोजेक्ट भी बनाया गया, तो आंसर हो गया ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। नेक्स्ट है मॉनिटरी इकोनॉमिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडियन इकोनॉमी इंक्लूड, जो मॉनिटरी इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, मॉनिटरी मतलब पैसे से रिलेटेड, ठीक है, तो जो उसका इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है इंडिया में उसमें क्या क्या चीजें शामिल होती है, आरबीआई और बैंकिंग सिस्टम शामिल होगा, इसके अलावा जो नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, और जो कैपिटल मार्केट होता है, ये तीनों ही चीजें शामिल होंगी, तो आंसर है ऑल ऑफ द अबव। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है उसकी स्थापना कब हुई थी, 1935। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है, हमारी वीडियोस आपके लिए किसी भी तरीके से हेल्पफुल है, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। तो नेक्स्ट 23rd क्वेश्चन है वाटर ट्रांसपोर्ट इज नॉट कैटेगराइज एज, वाटर ट्रांसपोर्ट का हिस्सा नहीं है, ठीक है, कौन सा, लेक वाटर ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एयर ट्रांसपोर्ट कंपनी इन द पब्लिक सेक्टर इन इंडिया, पब्लिक सेक्टर में ट्रांसपोर्ट कम एयर ट्रांसपोर्ट कंपनी जो है वो नहीं है, कौन सा, इंटर ग्लोब एविएशन लिमिटेड, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ पावर इन इंडिया, इंडिया में ये इम्पोर्टेंट पावर सोर्स जो है वो नहीं है, कौन सा, टाइडल पावर। टाइडल पावर में बच्चों इलेक्ट्रिसिटी जो है वो किस तरीके से कह सकते हो, पावर कैसे जनरेट होती है, जब टाइड्स आते हैं तो उसकी जो एनर्जी होती है उसको जो है वो कैप्चर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, तो इसमें से जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो कौन कौन सा है, तो बच्चों वो यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया भी है और लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन यानी जिसको आप LIC बोलते हो वो भी है, ठीक है, तो दोनों ही इसका एग्जांपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डीलिंग इन द सेल एंड परचेज ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स ऑफ कंपनीज, कंपनीज के से जो डिबेंचर्स हैं उसके जो है वो कह सकते हैं उसके जो शेयर हैं या उसके डिबेंचर हैं उनके सेल और परचेज से डील करता है, कौन सा, शेयर मार्केट भी करता है और स्टॉक एक्सचेंज भी करता है, तो दोनों ही आंसर हो गया बोथ ए एंड बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रेडिंग क्लासेस आर पुटिंग देयर ऑल आउट एफर्ट्स टू एक्सप्लॉइट द कंज्यूमर बाय द फॉलोइंग, जो ट्रेडिंग क्लासेस हैं, ठीक है, यानी जो आप कह सकते हो व्यापार कर रहे हैं वो मतलब कि सारे कोशिश करते हैं कि वो कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट कर सके, किन किन तरीकों से, एडल्ट्रेशन यानी मिलावट, चीज़ों में मिलावट करके, ठीक है, यूज़ ऑफ नॉन स्टैंडर्ड वेट, नॉन स्टैंडर्ड वेट्स क्या होता है, जैसे कि उन्होंने जो है जो पप्पर 1 किलो का जो वाट होता है वो ना रख कर उन्होंने उसकी जगह ईंट रख दिया या किसी और चीज़ों के साथ उसको तोल दिया, तो नॉन स्टैंडर्ड वेट हो गया। मिसलीडिंग एंड फैब्रिकेटेड एडवर्टीजमेंट, इस तरीके का एडवर्टीजमेंट जो कि मिसलीडिंग हो, जो इंसान को सही जो है नॉलेज ना दे बल्कि उसको मिसगाइड करें, ठीक है, तो इस तरीके की नॉलेज जो है वो दी जा सकती है, तो ये ऑल ऑफ द अबव है कि इस सारे तरीके हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बींग यूज बाय प्रोड्यूसर्स एंड ट्रेडर्स एक्सप्लॉइट द कंज्यूमर, कौन सा तरीका नहीं अपनाया जाता प्रोड्यूसर और ट्रेडर्स द्वारा ताकि वो कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट कर सके, तो ये है मोनोपॉलिटिक्स एंड रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिसेस, ठीक है, ये एक एक्ट है जो कि मतलब कि उनको इस तरीके से शोषण करने के लिए मना करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज नॉट द मेन फंक्शन ऑफ RBI, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसका मेन काम क्या नहीं है, ठीक है, टू डिटरमाइन द बजट ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का बजट बनाना या उसको निश्चित करना वो RBI का काम नहीं है, उसका काम क्या क्या है, करेंसी का नोट बनाना, करेंसी नोट बनाना, ठीक है, गवर्नमेंट के बैंक की तरह काम करता है, मॉनेटरी सिस्टम जो कंट्री का है उसको कंट्रोल और रेगुलेट करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज एस्टेब्लिश्ड टू मीट द क्रेडिट रिक्वायरमेंट्स ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर। इसमें से कौन सा तरीका है जिससे जो है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर के क्रेडिट रिक्वायरमेंट जो उधारा पैसा है उसको जो है वो मिल जाता है, ठीक है, ताकि इंडस्ट्री लेवल पे जो है इंडस्ट्री पे वो अच्छे से वर्क कर सके। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया ये लोन वगैरह दे देगा उसको, शॉर्ट टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन। इंडियन इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन भी करता है इसी में काम, और स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक भी इसी सेक्टर में काम करते हैं। तो ये ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्रीकल्चर सेक्टर क्रेडिट्स आर नॉट ऑफर्ड बाय, एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए कौन उधारा पैसा नहीं देता, ठीक है, तो RBI जो है वो नहीं देता। द फुल फॉर्म ऑफ नबार्ड, तो नबार्ड की फुल फॉर्म पूछी गई है आपसे बच्चों। नबार्ड की फुल फॉर्म होती है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। तो ऐसा तो यहाँ पे कोई है नहीं, अगर यहाँ से जो है एंड वगैरह हटा देंगे तो बन सकता है, इस करके हमने यहाँ पर जो है वो नन ऑफ द अबव पे टिक करना है, ठीक है, ये गलत मार्क हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मोनोपोली एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट वाज पास्ड डैश इन इंडिया, यानी कि मोनोपोली और यानी कि एकल स्वामित्व और रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट जो है वो इंडिया में कब पास किया गया था, 1969 में, ठीक है। कंज्यूमर्स प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में पास किया गया था, प्रोटेक्ट्स द कंज्यूमर फ्रॉम एक्ट है जो कि 1986 में पास किया गया था, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है। तो ये जो है वो कंज्यूमर को किस चीज से बचाता है, जो बड़े प्रोड्यूसर है उनके माल प्रैक्टिसेस से बचाता है, और जो मीडियम और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज या फिर जो व्यापारी हैं उनके शोषण से बचाता है, ठीक है। तो ऑल कैटेगरीज ऑफ प्रोड्यूसर्स को ये बचाता है, ठीक है, मतलब कि हर तरीके के प्रोड्यूसर से कंज्यूमर को बचाता है। कंज्यूमर्स डिस्प्यूट्स रिड्रेसल फोरम्स हैव बीन एस्टेब्लिश्ड एट द, तो ये जो मतलब कि अगर कंज्यूमर और जो है कह सकते हो जो कंपनी है उनके बीच में अगर डिस्प्यूट विवाद हो जाए कि तुमने इसमें लैपटॉप सामान दिया या एक्सपायरी सामान वगैरह आ गया, तो ये जो है वो डिस्प्यूट कहाँ पे जो है वो सॉल्व किया जाता है, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है केवल, या स्टेट लेवल पर होता है, नेशनल लेवल पर होता है, तो ये सारे लेवल पर होता है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट फोरम फॉर कंज्यूमर्स डिसाइड द कंप्लेंट फॉर द वैल्यू ऑफ, जो डिस्ट्रिक्ट फोरम होता है वो कंज्यूमर के लिए कंप्लेंट के बिहाफ पर कितने अमाउंट तक का क्लेम जो है वो कर सकती है, तो 5 लाख से कम के अमाउंट पे, ठीक है। नेक्स्ट है, द कंज्यूमर्स वीक इज सेलिब्रेटेड थ्रू आउट द कंट्री बिटवीन, तो कंज्यूमर वीक यानी उपभोक्ता जो सप्ताह है वो पूरे कंट्री में कब मनाया जाता है, तो 15 मार्च से 21 मार्च, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपका, टू अरोज अवेयरनेस अमंग द कंज्यूमर्स पब्लिकेशन ऑफ उपभोक्ता जागरण कंज्यूमर अवेयरनेस वॉज लॉन्च, तो ये कब लॉन्च किया गया था उपभोक्ता जागरण जो है 1991 में। द इफेक्टिव फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉलोइंग कॉसेस, तो जो डिमांड और सप्लाई का फोर्स होता है, ठीक, यानी कि जब डिमांड बढ़ जाती है और सप्लाई कम हो जाता है, ठीक है, तो प्राइस बढ़ जाएगा, वहीं पर डिमांड कम हो जाए और सप्लाई बढ़ जाए तो क्या होगा, प्राइस जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे केस में बोल रहा है कि किस चीज पर असर नहीं पड़ेगा, जब हम पुअर सेक्शन की या सोसाइटी के जो पुअर सेक्शन होता है उनकी भलाई के लिए अगर हम काम करें, तो जैसे कि आप कह सकते हो जो राशन की दुकानें होती है राशन कार्ड पे जिनको राशन मिलता है, तो उसके ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ता, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन इंडिया, इसमें से कौन सा जो है जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है इंडिया का उससे बिलोंग नहीं करता, तो आंसर है प्रोक्यूरमेंट एट मैक्सिमम प्राइस, यानी कि अधिकतम मूल्य पर खरीद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोक्योर्ड द फूड ग्रेन्स एट द प्राइसेस फिक्स्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, यानी कि भारत सरकार जो है वो किसकी सिफारिश पर, ठीक है, यानी कि जो निर्धारित कीमत है उस पर खाद्यान्न की खरीद करती है, तो द कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, ठीक है, इनकी जो कमीशन होती है वो जो है वो रेट जो है वो गवर्नमेंट को सुझाती है कि इस रेट पर खरीदना है। द पर्पस ऑफ बफर स्टॉक इज टू कीप द स्टॉक ऑफ नेसेसरी आइटम्स लाइक फूड ग्रेन्स एंड शुगर एक्सेट्रा बाय द गवर्नमेंट, सो दैट ये जो बफर स्टॉक है यानी जो सुरक्षित भंडार है उसमें जो नेसेसरी आइटम्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि अनाज हो गया या चीनी हो गया, ठीक है, तो उसको जो है वो गवर्नमेंट जो है वो स्टॉक करती है, सुरक्षित भंडार में रखती है, क्यों, कैन चेक द प्राइस फ्रॉम राइजिंग, ताकि जब कीमतें बढ़ेगी तो उसको बेचा जा सकता है, ताकि प्राइस बहुत ज्यादा ना बढ़ जाए किसी चीज का। फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है इनकेस देश में जो है वो सूखा पड़ जाए, है ना, तो उस फूड ग्रेन का या जो बाढ़ आ जाए तो उस फूड ग्रेन का इस्तेमाल किया जा सकता है। कैन सेव पब्लिक फ्रॉम शॉर्टेज ऑफ फूड, जब खाने की कमी हो जाती है तो उस टाइम पर लोगों की उस खाने बफर स्टॉक से हेल्प की जा सकती है, तो आंसर है ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। अब हम फिल इन द ब्लैंक्स देख लेते हैं, थ्रू
डैश गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूट द नेसेसिटी ऑफ लाइफ लाइक फूड ग्रेन्स शुगर कैरोसिन कोर्स क्लोथ एक्सेट्रा एट कंसेशनल प्राइस थ्रू फेयर प्राइस शॉप। तो मतलब कि फेयर प्राइस शॉप से यानी जो राशन की दुकानें होती है ठीक है उस पर कंसेशनल प्राइस मिलता है ठीक है, कंसेशन के साथ जो है वो सब राशन मिलता है। तो गवर्नमेंट जो है वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करती है, थ्रू पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू जो है वो इस तरीके से राशन की दुकानों पर सामान जो है वो मिल जाता है ठीक है। देयर आर डैश कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन इंडिया। कितने तरीके के पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है इंडिया में, तीन तरीके के। एवरी फेयर प्राइस शॉप सर्व्स पॉपुलेशन ऑफ अबाउट, जितने भी फेयर प्राइस शॉप होती है यानी जो राशन की दुकानें होती है गवर्नमेंट वाली ठीक है, तो वो कितने पॉपुलेशन को सर्व करती है, लगभग 2000 ठीक है। आरबीआई जो है वो हमारा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, 1969 में 14 बैंक्स एंड इन 1980 ठीक है 7 मोर बैंक्स दैट इज टोटल 21 कमर्शियल बैंक्स हैव बीन नेशनलाइज्ड, यानी कि जो बैंक है उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया 1980 तक 21 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया ठीक है। नेक्स्ट है नेशनलाइजेशन इम्प्लाइज द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री हैज बिकम द ओनर ऑफ दीज बैंक। जब इसको जो है वो नेशनलाइज कर दिया जाता है तो गवर्नमेंट जो होते हैं वो इनकी ओनर बन जाती है ठीक है। नेक्स्ट है एक्सिम दैट इज इम्पोर्ट एक्सपोर्ट। बैंक इज एस्टेब्लिश टू गिव फाइनेंशियल हेल्प टू फॉरेन ट्रेड, फॉरेन में व्यापार करने के लिए जो है वो एक्सिम बैंक जो है उसकी शुरुआत की गई थी। एवरी मैन एज अ कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ हिज वॉन्ट्स डिमांड नॉट ओनली गुड्स बट सर्विसेज ऑल्सो। तो एक कंज्यूमर जो होता है, एक उपभोक्ता जो होता है, उसको सिर्फ चीजें नहीं चाहिए, वस्तुएं नहीं चाहिए, उसको साथ साथ सेवाएं भी चाहिए ठीक है। जैसे आपको फोन तो मिल गया बट आपको सर्विस ही ना मिले, आपको वो जो है वो आप फोन करो आपका फोन कनेक्ट ना हो तो आप किसको फोन करके दोगे, कॉल सेंटर में फोन करते हो ना, तो वो सर्विस होता है ठीक है, तो सर्विसेज भी चाहिए होती है। द कैपिटल स्टॉक इज ऑफ टू टाइप, कैपिटल स्टॉक जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। नेक्स्ट है द पार्ट ऑफ द कैपिटल स्टॉक ऑफ द इकोनॉमी विच इज नेसेसरी फॉर द व्यू पॉइंट ऑफ प्रोवाइडिंग वेरियस काइंड ऑफ सर्विसेज, यानी किसी इकोनॉमी का जो कैपिटल स्टॉक है ठीक है उसका वह भाग जो विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करने की दृष्टि से जरूरी होता है, आवश्यक होता है, उसको क्या बोला जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर। नेक्स्ट है वाटर ट्रांसपोर्ट इज डिवाइडेड इनटू डैश कैटेगरीज। वाटर ट्रांसपोर्ट जो है वो कितने तरीके कैटेगरी में डिवाइड होता है, तीन तरीकों में ठीक है। देर आर थ्री इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ पावर इन इंडिया, इंडिया में पावर के तीन मेन सोर्स हैं ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये आपकी वीडियो खत्म हो जाती है। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।